अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। तो आज यहाँ पे बन रही है बर्फ़ी, वो भी बिल्कुल बाजार वाली। तो आप सब ने बहुत फरमाइश की थी तो इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 8 कप मिल्क पाउडर के, 6 कप मैंने ले लिए हैं चीनी के, 2 कप मुझे चाहिए होगा दूध, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है इलायची पाउडर का, और इसमें मैंने घी शामिल किया है तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के, आप ले लीजिए। और आखिर में बर्फ़ी को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ पिस्ते और बादाम ले लिए हैं, तो इससे हम बर्फ़ी की गार्निशिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने लिया था मेजरमेंट के लिए कप, वही आम जो चाय पीने वाला कप होता है इस किस्म का, वो मैंने ले लिया है, और इसी से मैंने सारी चीज़ें नापी हुई हैं। जो मिल्क पाउडर भी है और जो लिक्विड दूध भी मैं लूँगी वो भी इसी से लूँगी। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको फ्लेम पे नहीं रखा है, तो बग़ैर फ्लेम पे रखे हुए हमने इसमें शामिल करना है 2 कप्स ऑफ मिल्क, और इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है जी। तो रेसिपी ज़रूर पूरी देखिएगा क्योंकि छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको फॉलो करने से आपकी बर्फ़ी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल करना है मिल्क पाउडर। बर्फ़ी चूँकि मैंने ज़्यादा बनानी थी इसलिए मैंने यहाँ पे 8 कप लिए थे मिल्क पाउडर के, लेकिन अगर आपने थोड़ी बनानी है तो आप इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर सकते हैं। सब चीज़ों का आप हाफ़ हाफ़ कर लें तो आपकी आधी बनेगी जो मैंने बनाई थी उससे। तो यहाँ पे मैं 8 कप जो थे मेरे पास मिल्क पाउडर, वो मैं सारा इसमें शामिल कर रही हूँ एक ही दफ़ा में जी। तो इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठलियाँ ना बने। और अभी मैंने इसको फ्लेम पे नहीं रखा, तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ें फ्लेम पे रखे बगैर ही आपने मिक्स करनी है। और जो मिल्क पाउडर है वो जो आम घरों में यूज़ होता है नीडो का, वही मैंने यूज़ किया है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी चाय बनाने वाला जो टी वाइटनर होता है वो नहीं आपने यूज़ करना, बल्कि जो मिल्क पाउडर नीडो का है वो ले लें, या किसी और कंपनी का कोई भी हो, लेकिन फुल क्रीम मिल्क होना चाहिए आपके पास। ये देखें इस तरह से बिल्कुल ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया है। अब हमने इसको स्टार्ट करना है पकाना। फ्लेम बहुत आपने केयर से रखनी है, बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं होना चाहिए बल्कि दरमियानी सी आँच रखी है मैंने, और इसको मुसलसल हिलाना है। सिर्फ और सिर्फ इसकी ये एक मुश्किल चीज़ है कि इसको आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ज़रा सा भी अगर आप इसको छोड़ देंगे या आगे पीछे किसी और काम में लग जाएंगे तो ये फ़ौरन से चिपकना शुरू हो जाएगी। तो आपने बहुत केयर से इसको बनाते रहना है जी। तो यहाँ पे मुझे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है बर्फ़ी बनाते हुए, और तकरीबन आधे घंटे बाद इस तरह से ये जो बैटर था वो गाढ़ा होना शुरू हुआ है। तो मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में थी इसलिए मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया है। तो अगर आप थोड़ा बनाते हैं, 4 कप से बनाएंगे तो तकरीबन आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको गाढ़ा होने में। YouTube पर काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं बर्फ़ी बनाने की, और बहुत जल्दी बनने वाली भी हैं और बहुत आसान भी हैं, लेकिन यकीन करें कि इस तरीके से आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट सेम वैसा ही आएगा जैसा आप बाज़ार से लेके आते हैं बर्फ़ी। बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि ये किसी हलवाई ने नहीं बनाई, क्योंकि मैंने भी जब बनाई तो सबने ही बहुत तारीफ़ की थी, और ख़ुद भी खा के इंसान को पता चल जाता है कि उसकी डिश कैसी बनी हुई है। तो आप इंशाल्लाह अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको सेम टू सेम वैसा ही टेस्ट आएगा जो आप बड़ी बड़ी शॉप से लेके आते हैं अपने घर पे, बर्फ़ी वैसी ही बनने वाली है। वो बात तो आपने सुनी ही होगी, सहज पके सो मीठा हो। तो मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आती थी बचपन में कि इसका क्या मतलब है, लेकिन अब चूँकि किचन में रात दिन का काम है तो अब समझ में आया है कि इसका क्या मतलब है। और जितनी मेहनत की इस पे और जितना टाइम लगा के बनाई तो वाकई बहुत लाजवाब बनी थी। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से अब ये काफ़ी गाढ़ा होना शुरू हो गया, और बस अब जल्दी ही तकरीबन 5 मिनट में इसकी शेप आ जाएगी जो मुझे चाहिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें चीनी तो शामिल ही नहीं की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बर्फ़ी हो और वो मीठी ना हो। तो मैं चीनी इसमें शामिल करूँगी लेकिन इस स्टेज के बाद। अगर इतने गाढ़ा होने से पहले ही मैं इसमें चीनी शामिल कर लेती तो मेरे लिए बर्फ़ी को बनाना बहुत मुश्किल हो जाना था, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर चीनी डाल दें तो बर्फ़ी एकदम से जलने लगती है और उसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर शामिल करने के बाद मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद पका लूँगी ताकि अच्छे से इसमें शामिल हो जाए इसकी खुशबू इलायची की। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी
तकरीबन 6 कप मैंने इसमें चीनी के आपको बताए थे। तो बहुत ज़्यादा मीठा मुझसे खाया नहीं जाता, मुझे पसंद भी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें ज़्यादा या कम, और फिर उसको आप हल्का सा टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर मज़ीद ज़रूरत हो तो आप मज़ीद इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। लेकिन 8 कप के हिसाब से इसमें 6 कप या 5.5 कप जितना आपको अच्छा लगे आप शामिल करें, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने यही चीनी इसमें शामिल की, तकरीबन 5.5 कप मैंने डाले, आधा कप मैंने बचा लिया था। चीनी डालने के बाद फिर ये तकरीबन लिक्विडी सी शेप आ जाएगी इसकी दोबारा एक दफ़ा, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहले थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। चीनी डालने के बाद बस आप मुसलसल इसको हिलाते रहें तो जल्दी ही ये गाढ़ा हो जाएगा दोबारा, और बस तकरीबन 5 से 10 मिनट में आपकी मज़ीद बर्फ़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बर्फ़ी की ये रेसिपी टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, मेहनत बहुत होती है इसमें, लेकिन आप यकीन करें कि इसका जो रिज़ल्ट है जब आपको वो मिलता है तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। और यहाँ पे हो चुकी है रेडी बिल्कुल बर्फ़ी, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, तो इसको मैं चम्मच की मदद से ऊपर घी लगा लूँगी ताकि ये अच्छी स्मूथ सी हो जाए बिल्कुल। और जो मैंने आपको बताए थे पिस्ता बादाम, वो भी मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था और वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, क्योंकि जब बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाएगी तभी हम इसको काट पाएंगे और तभी इसकी शेप एक अच्छी सी आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है, रफली चॉप्ड मेरे पास हैं पिस्ते और बादाम, वो इसके ऊपर मैंने डाल लिए हैं। जी तो मेरी तो बर्फ़ी बन चुकी है और हम तो खा पी के फारिग भी हो गए। अब आपने बनानी है बर्फ़ी अपने घर पर और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है और बताना है कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी, और जो बाज़ार से आप लाते हैं वैसी ही थी या कुछ कमी रह गई, तो ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों से खूब सारी तारीफ़ें समेटें। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में नई किसी रेसिपी के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।